मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूँ। फिजिक्स में 25 ऑब्जेक्टिव का डोज हर रोज आप लोग को मिल रहा है। आज हम लोग फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नंबर 18 पे पहुंच चुके हैं। आज के वीडियो में भी 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करना है, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज जो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, तो इसको बनाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? तो पहला जो क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है सार्वत्रिक गेट है और ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा गेट था लॉजिक गेट, तो लॉजिक गेट पढ़े थे, सबसे पहले हमारा था और गेट, इसके बाद एंड गेट पढ़े थे, इसके बाद नॉट गेट पढ़े थे। और यहाँ पर नॉट गेट और गेट को मिला दिए थे तो नॉर गेट आ गया था। इसके बाद नॉट गेट और एंड गेट को मिला दिए थे तो कौन सा गेट बन गया था? नेंड गेट बन गया था। तो यहाँ पे दो जो गेट बना है, ये गेटों के संयोजन से बना है और ये सब हमारा मूल गेट है। तो यहाँ पे सार्वत्रिक गेट पूछा जा रहा है, तो सार्वत्रिक गेट जो हमारा नॉर गेट हो जाएगा और नेंड गेट हो जाएगा। तो ऑप्शन में खोजते हैं कौन सा है। तो ऑप्शन हमारा जो है सार्वत्रिक गेट है, तो नेंड और नॉर। तो हमारा आंसर बी नंबर, ये दोनों जो है किसमें है? बी नंबर में है। तो पहला का आंसर क्या हो गया? बी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकेंड नंबर। सेकेंड में बोला जा रहा है मूल गेट है, तो हमारा ये जो गेट है वास्तव में मूल गेट जो है यही सब है। ये तीनों हमारा क्या है? मूल गेट है, मूल गेट हो गया। और मूल गेट से, मूल गेट के संयोजन से जो बना था वो हमारा सार्वत्रिक गेट। तो मूल गेट है और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, ये तीनों हमारा मूल गेट है। तो कौन सा ऑप्शन है? देखिए तो सेकेंड क्वेश्चन जो है इसका आंसर हमारा एंड और नॉट, तो ये हमारा डी नंबर आंसर में देखिए तीनों मिल रहा है डी नंबर आंसर। तो दूसरा का हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर हो गया। अब हम लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर में बोला जा रहा है किसी ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए वोल्टता लब्धि। तो ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए वोल्टता लब्धि जो होता है, उच्च और निम्न आवृत्ति पे क्या होगा? कम होगा, और मध्य आवृत्ति पे अचर होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर जो है सी, उच्च और निम्न आवृत्ति पर कम होता है और मध्य आवृत्ति पर अचर रखता है। तो तीसरा का आंसर क्या हो गया? सी नंबर आ गया। तीसरा का क्या हो गया? सी नंबर। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर, चौथा नंबर में बोला जा रहा है पीएन संधि पर अग्र अभिनति उपयुक्त किया जाता है तब यह। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पीएन संधि में अग्र अभिनति क्या होता है। तो पीएन संधि मतलब समझ चुके हैं कि एक हमारा पी टाइप का अर्धचालक होता है और दूसरा हमारा एन टाइप का अर्धचालक होता है, पी टाइप और यहाँ पे एन टाइप। जब ये दोनों जिस जगह मिलता है तो यही हमारा पीएन संधि बनता है। यहाँ पे ये पता है कि पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है इसमें हॉल का संख्या अधिक होता है, हॉल का संख्या अधिक होता है। और जो हमारा एन टाइप होता है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होता है? अधिक होता है। एन मतलब निगेटिव, तो निगेटिव एन मतलब निगेटिव, यानी एन प्रकार का अर्धचालक जहां पे इलेक्ट्रॉन का संख्या अधिक होगा, पी प्रकार का अर्धचालक जहां पे हॉल का संख्या अधिक होगा, और हॉल जो होता है हमारा धन आवेश के तरह व्यवहार करता है। यहाँ पे क्या होगा, जब इसको हम लोग अग्र अभिनति संयोजन करेंगे, अग्र अभिनति संयोजन जान रहे हैं, पी प्रकार के अर्धचालक को सेल के धन ध्रुव से और एन प्रकार के अर्धचालक को सेल के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं, तो ये हमारा अग्र अभिनति संयोजन होता है, फॉरवर्ड बायस कनेक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि पी टाइप यानी पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव जब यहां से आता है तो यहाँ पे इसको धक्का देता है, रिपेल करता है। तो धक्का देने के कारण यहाँ पे
ये जो क्षेत्र होता है ये क्षेत्र धीरे धीरे क्या होता है घटने लगता है। अब फिर हमारा एन टाइप है निगेटिव, यहाँ पे इसको धक्का देगा, ये आपस में आगे की ओर बढ़ेगा, तो यहाँ पे भी ये क्षेत्र क्या होता है घट जाता है। तो घट जाता है यानी विभव जो होता है, विभव प्राचीर, ये जो हमारा क्षेत्र होता है इसको हम लोग विभव प्राचीर पोटेंशियल बैरियर के नाम से जानते हैं, या ह्रासित क्षेत्र भी बोलते हैं। यहाँ पे जो ह्रासित क्षेत्र यहाँ पे है ये अग्र अभिनति संयोजन होता है, ये क्षेत्र क्या होता है कमने लगता है, घटने लगता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा होता है पहला विभव रोधक बढ़ाता है, गलत है। बहुसंख्यक वाहक धारा को शून्य कर देता है, ये भी गलत है। विभव रोधक को कम कर देता है, तो यहाँ पे पीएल संधि जब अग्र अभिनति संयोजन होता है तो विभव रोधक को क्या कर देता है कम कर देता है। ये जो हमारा क्षेत्र होता है वो क्या होता है घटने लगता है, कम होने लगता है, जैसे हम लोग पीएन संधि को अग्र अभिनति करते हैं, यानी पी टाइप को प्लस से और एन टाइप को निगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो विभव रोधक यहाँ पे क्या आ जाएगा घटना शुरू कर देगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा तीसरा का, ये चौथा क्वेश्चन है जिसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, चौथा का क्या हो गया सी नंबर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चल रहे पांचवा नंबर पे, पांचवा नंबर में बोला जा रहा है पीएन जंक्शन डायोड जब अग्र दिश रहता है तब जंक्शन पर धारा का प्रवाह मुख्यतः अग्र अभिनति बोल रहा है, यानी फॉरवर्ड बायस कनेक्शन, मतलब पी टाइप को पॉजिटिव से और एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, तो उस समय क्वेश्चन में बोला जा रहा है आवेश के अपसरण के कारण होता है, ये भी नहीं है, आवेश के विसरण के कारण होता है, यानी धारा का प्रवाह जो होता है आवेश के विसरण के कारण एक जगह से दूसरे जगह आवेश जो है वो जाना शुरू कर देता है फॉरवर्ड बायस कनेक्शन में, क्योंकि ये क्षेत्र हमारा घटने लगता है ताकि आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है, और यही जो है आवेश का विसरण जिससे क्या होता है धारा प्रवाहित होने लगता है। तो हमारा आंसर जो पांचवा नंबर है इसका जगह बी नंबर, आवेश के विसरण के कारण होता है, पांचवा का आंसर क्या हो गया बी नंबर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चल रहे छठा नंबर पे, छठा नंबर में बोला जा रहा है बिना अभिनति के पीएन संधि में हॉल पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की विसरित होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जिस समय हमारा पीएन संधि नहीं है इस समय जो है यहाँ पे हॉल का स्थानांतरण जो होता है पी टाइप से एन टाइप की ओर, जिस कारण एन टाइप के तरफ जो है ना धन क्षेत्र यानी पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन का विसरण जो होता है ये हमारा कहाँ हो जाता है पी टाइप की ओर होने लगता है, तो जिस कारण से यहाँ पे हमारा ऋणात्मक यानी निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है बिना अभिनति के पीएन संधि में हॉल पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर विसरित होता है, तो हॉल जो होता है पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो भी हमारा एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की तरफ होता है। तो यहाँ पे हॉल हो गया पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर विसरित होता है, क्यों तो इसका क्या रीजन है, तो यहाँ पे जो हमारा पी क्षेत्र है यहाँ पे पी क्षेत्र में हॉल का सांद्रता अधिक होता है किससे एन क्षेत्र की तुलना में, तो जिस कारण से इसका विसरण जो होता है पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर होता है। खोजते हैं ऑप्शन ए नंबर है एन क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन उन्हें आकर्षित करते हैं, ये भी नहीं आ सकता है आंसर, ये विभवांतर के कारण संधि को पार करते, ये भी गलत है। पी क्षेत्र में हॉल सांद्रता एन क्षेत्र में इनकी सांद्रता से अधिक होता है, पी क्षेत्र में जो हॉल सांद्रता होता है एन क्षेत्र से अधिक होता है, इस कारण से हमारा हॉल का विसरण किधर होता है एन क्षेत्र की तरफ होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया सी नंबर हो गया, छठा का क्या हो गया सी नंबर, छठा क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट हम लोग चल रहे सातवां नंबर पे चलते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन, सातवां में देखिए तो क्या बोला गया है, सातवां नंबर क्वेश्चन में बोला गया है सुचालक पदार्थ में संयोजकता पट्टी तथा चालकता पट्टी के बीच। तो यहाँ पे देखिए सुचालक पदार्थ जो होता है, सुचालक पदार्थ हमारा जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एक होता है हमारा कंडक्शन बैंड, दूसरा होता है वैलेंस बैंड। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कंडक्शन
कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो गैपिंग होता है, ऊर्जा अंतराल जो होता है, गैप जो होता है, ये हमारा अगर सुचालक है तो नगण्य, नहीं के बराबर, ये बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है, नगण्य गैप होता है। अर्धचालक जो है यहाँ पे हमारा गैप थोड़ा सा रहता है, कम रहता है, लघु रहता है। और जो हमारा कुचालक होता है इसमें गैप जो है बहुत ज्यादा होता है, चौड़ा वर्जित क्षेत्र होता है गैप जो होता है। सुचालक में नगण्य, नहीं के बराबर, अर्धचालक में थोड़ा सा होता है और कुचालक में बहुत ज्यादा गैप होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सुचालक पदार्थ पूछा जा रहा है, संयोजकता पट्टी तथा चालकता पट्टी के बीच। ऑप्शन हमारा चौड़ा वर्जित क्षेत्र गलत है, पतला वर्जित क्षेत्र ये भी गलत है, कोई रिक्त स्थान नहीं होता है, नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है वर्जित क्षेत्र, यानी एनर्जी गैप जो होता है नहीं के बराबर होता है सुचालक में। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी नंबर हो गया। सातवां क्या हो गया, सी नंबर। ये सब जो है पढ़े हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं आप लोग। आठवां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवां नंबर में बोला जा रहा है कुचालक पदार्थ में संयोजकता पट्टी तथा चालकता पट्टी के बीच। अब कुचालक बोला जा रहा है, अभी पढ़े हैं सुचालक में नगण्य यानी नहीं के बराबर होता है, अर्धचालक में थोड़ा सा होता है, लघु होता है, और कुचालक जो होता है इसमें चौड़ा होता है, बड़ा सा होता है। तो यहाँ कुचालक पूछा जा रहा है, कुचालक पदार्थ में संयोजकता पट्टी तथा चालकता पट्टी के बीच चौड़ा वर्जित क्षेत्र होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आठवां का ए नंबर हो जाएगा। आठवां का क्या हो गया, ए नंबर। अब हम लोग फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो नौ नंबर है। नौ नंबर में देखिए तो क्या बोला गया है, पीएन जंक्शन में होते हैं, पीएन जंक्शन यानी पीएन संधि में क्या होता है, अर्धचालक होता है। पीएन संधि मतलब पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक जिस स्थान पे मिलेगा वही हमारा पीएन संधि होता है। तो पीएन संधि यानी पीएन जंक्शन क्या हो गया, दो अर्धचालकों का संधि होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन खोजिए, पहला में ही यानी ए नंबर में ही लिखा हुआ दो अर्धचालक जंक्शन, तो नंबर का हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर। पीएन संधि क्या हो गया, दो अर्धचालकों का संधि है, ध्यान रखेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर है। 10 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसी पी प्रकार के सिलिकॉन में, कैसा पी प्रकार यानी पी टाइप के सिलिकॉन में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। पी प्रकार का अर्धचालक बोला जा रहा है, इसमें हमको सही कथन बताना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये आवेश वाहक के रूप में बोला जा रहा है, जैसे जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि जो हमारा पी टाइप का अर्धचालक होगा, पी प्रकार का होगा, इसमें हॉल का संख्या क्या होता है, अधिक होता है, हॉल का संख्या अधिक होता है। और जो हमारा एन प्रकार होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा होता है, एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन का संख्या, पी प्रकार में हॉल का संख्या। और जो हमारा हॉल होता है, छिद्र जो होता है, ये पॉजिटिव चार्ज की तरह व्यवहार करता है, धनावेश की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे पी प्रकार का अर्धचालक बनता कैसे है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वर्ग 14 का तत्व है, आवर्त सारणी के वर्ग 14 का तत्व है। यहाँ पे वर्ग 14 का तत्व है, इसके बाहरी कक्षा में चार इलेक्ट्रॉन होता है, चारों इलेक्ट्रॉन बंधन निर्माण में भाग ले रहा है। अब यहाँ पे ये जो हमारा अर्धचालक है इसको जब पी प्रकार बनाना है, पी प्रकार मतलब हो गया पी से पॉजिटिव यानी पी प्रकार जब बनाना है तब इसमें जो है 13वां वर्ग मिलाएंगे, जिसके बाहर में तीन रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन का जगह खाली हो जाता है जो हॉल के तरह व्यवहार करता है। तो हमारा वर्ग 14 का तत्व अर्धचालक है सिलिकॉन और जर्मेनियम, जब इसको पी प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो इसमें 13वां वर्ग का मिलाएंगे, त्रिसंयोजी मिलाएंगे। जब इसको एन प्रकार का अर्धचालक बनाना है, एन प्रकार का अर्धचालक, तो इसमें 15वें वर्ग के तत्व को मिलाएंगे, 15वां वर्ग का तत्व यानी एन प्रकार, 15वां वर्ग का तत्व मतलब पांच संयोजी इलेक्ट्रॉन का होना, चार को बंधन निर्माण में भाग ले लेगा,
एक इलेक्ट्रॉन हमारा बच जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ये हमारा एन प्रकार बन रहा है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, इसलिए इसका नाम एन प्रकार, एन से निगेटिव। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी यानी हॉल के कारण बन रहा है, इस कारण से यहाँ पे हॉल हमारा धन आवेश, पी से पॉजिटिव, इसलिए ये हमारा पी प्रकार का अर्धचालक। तो बहुत सारा क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, ध्यान रखिएगा। जो हमारा अर्धचालक है पी प्रकार बनाना है तो 13वें वर्ग के तत्व को मिलाएंगे, एन प्रकार बनाना है तो 15वें वर्ग को मिलाएंगे। पी प्रकार में अधिकता में कौन रहता है, हॉल रहता है, और एन प्रकार में अधिकता में कौन रहता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है। तो हम लोग देखते हैं 10 नंबर में क्या आंसर आना चाहिए। पी प्रकार का रहा है, पी टाइप का करा है, तो पी टाइप में ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक, ये तो पहले ही गलत हो गया। बी नंबर में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक, ये भी गलत हो गया। सी नंबर में हॉल अल्पसंख्यक आवेश वाहक, ये भी हमारा गलत है। पी प्रकार में हॉल जो होता है हमारा बहुसंख्यक आवेश वाहक होता है, तो डी नंबर में हॉल बहुसंख्यक आवेश वाहक सही है। और त्रिसंयोजी परमाणु अपमिश्रित होते हैं, यहाँ हम लोग जस्ट देखे हैं पी प्रकार में हॉल जो होता है अधिकता में होता है और 13वां वर्ग के मिलाने से बनता है यानी त्रिसंयोजी से मिलता है, तो हमारा आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा। 10 का क्या हो गया, डी नंबर हो गया, 10 का डी हो गया। नेक्स्ट हम लोग चल रहे 11 नंबर पे। 11 में देखिए तो 11 में बोला जा रहा है किसी सी एन प्रकार के सिलिकन में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अब एन प्रकार के बारे में पूछा जा रहा है, तो एन प्रकार में हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुसंख्यक होता है, और हॉल यहाँ पे क्या होगा, अल्पसंख्यक होगा, और यहाँ पे पंच संयोजी, एन प्रकार चाहिए तो पंच संयोजी चाहिए। खोजते हैं कौन सा ऑप्शन, ए नंबर में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक और त्रिसंयोजी, ये गलत हो गया क्योंकि एन प्रकार हमारा पंच संयोजी होता है। फिर अगला है इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक, तो ये भी गलत है, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे अधिकता में रहता है। फिर हमारा सी नंबर है हॉल अल्पसंख्यक वाहक है, एन प्रकार में हॉल अल्पसंख्यक है, सही बात है। और पंच संयोजी परमाणु अपमिश्रक होता है, एन प्रकार में हमारा पंच संयोजी मिश्रित होगा, तो ये भी हमारा सही है, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 11 का क्या आ गया, सी नंबर आ गया, 11 में क्या आ गया, सी नंबर। नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर पे चलते हैं। 12 नंबर में बोला जा रहा है पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में जंक्शन डायोड का व्यवहार करने के लिए आवश्यक होता है, तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में 2 डायोड का जरूरी पड़ता है, तो हमारा आंसर 12 का क्या आ जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 12 का क्या आ गया, बी नंबर आ गया, पूर्ण दिष्टकारी में, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में जो है हमारा 2 विभव चाहिए, 2 डायोड चाहिए, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, बी नंबर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 में बोला जा रहा है दिष्टकरण का अर्थ होता है, दिष्टकरण मतलब धारा को एक ही दिशा में, दिष्टकरण मतलब धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करने का व्यवस्था, ये क्या कराता है दिष्टकरण, तो कौन सा ऑप्शन है, देख लीजिए यहाँ पे 13 नंबर जो है धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करने की व्यवस्था करना, यही हमारा दिष्टकरण, तो 13 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, 13 का हमारा सी हो गया। अब हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 14 नंबर। 14 नंबर में देखिए थे क्या है, 14 में बोला जा रहा है प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का क्या नाम होता है, रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती विभव लगाने पे जो हमारा दिष्ट धारा उत्पन्न होता है वो हमारा क्या होता है, रेक्टिफायर यंत्र होता है, तो 14 का ए नंबर आंसर हो जाएगा, 14 का क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर है, 15 में क्या बोला जा रहा है पूर्ण तरंग दिष्टकारी में यदि निवेशी आवृत्ति 50 है तो निर्गम आवृत्ति, यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझते हैं, यहाँ पे क्या है हम लोग एक फिगर बनाते हैं, इसमें हम लोग एक ले लेते हैं निवेशी वोल्टता,
निवेशी वोल्टता ले लेते हैं। इसके बाद जो है निवेशी वोल्टता हो गया, इसके बाद यहाँ पे हम लोग अर्ध तरंग दिष्टकारी लेते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी हो जाएगा, अर्ध तरंग दिष्टकारी हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पूर्ण तरंग दिष्टकारी लेते हैं। ये हम लोग पूर्ण तरंग दिष्टकारी ले लिए, पूर्ण तरंग दिष्टकारी हो गया। अब इसके बाद देखिए, अगर निवेशी वोल्टता है तो निवेशी वोल्टता जो दिया जा रहा है इस तरह से अपना आ रहा है। निवेशी वोल्टता यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग को पता है 180 डिग्री होता है 180, ये पॉइंट हमारा 360 होता है, ये पॉइंट हमारा क्या होता है 540, इस तरह से होता है। और बीच में तो हमारा 90 हो जाता है। यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, फिर यहाँ से पॉजिटिव। अर्ध तरंग अगर दिष्टकारी का बात किया जाए, अर्ध तरंग दिष्टकारी का बात किया जाए तो पॉजिटिव के कारण हमारा क्षेत्र पॉजिटिव हो जाता है, और निगेटिव यानी नीचे वाले के कारण ये हमारा शून्य हो जाता है। नीचे वाले के कारण क्या जाएगा, शून्य। ऊपर वाले पॉजिटिव के कारण ये भी हमारा पॉजिटिव, नीचे वाले निगेटिव के कारण यहाँ पे हमारा शून्य हो जाता है। फिर इसके बाद ऊपर गया तो फिर से हमारा यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे भी कर देते हैं, तो फिर पॉजिटिव के कारण ये हमारा पॉजिटिव क्षेत्र आ जाता है। यहाँ पे अगर पूर्ण तरंग दिष्टकारी का बात किया जाए तो यहाँ पे ऊपर वाले के लिए भी हमारा पॉजिटिव होता है, और नीचे जो है इसके लिए भी यही चक्र होता है। यहाँ पे इस क्षेत्र के लिए भी हमारा यही चक्र होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी में, फिर पॉजिटिव है तो इसके लिए भी हमारा यही चक्र होता है। यहाँ पे आवृत्ति मतलब हो गया प्रति सेकंड लगाए गए चक्र की संख्या। तो चक्र की संख्या यहाँ पे निवेशी वोल्टता जो दिया जाता है, तो निवेशी वोल्टता के लिए हम लोग का यहां से लेके यहां तक 360 में जो है हमारा एक चक्र पूरा होता है। एक चक्र जो है कहां से, निवेशी वोल्टता के लिए यहां से लेके यहां तक हमारा एक चक्र है। और अर्ध तरंग दिष्टकारी में भी हमारा यहां से लेके इसके लिए हमारा पॉजिटिव और इसके लिए हमारा जीरो हो जाता है, तो यहां से लेके यहां तक हमारा क्या है, एक चक्र है। इसका मतलब हुआ अगर निवेशी वोल्टता हमारा 50 Hz है, निवेशी वोल्टता का आवृत्ति कितना है 50 Hz है, तो अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए भी इसका आवृत्ति कितना होगा 50 Hz ही होगा अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए। लेकिन अगर पूर्ण तरंग दिष्टकारी का बात किया जाए तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पहला चक्र, फिर यहाँ से लेके यहाँ हमारा दूसरा चक्र, मतलब निवेशी वोल्टता का एक चक्र तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए कितना आ जाएगा, दो चक्र। मतलब यहाँ पे अगर पूर्ण तरंग दिष्टकारी में आवृत्ति अगर हमारा 50 Hz है तो यहाँ इसके लिए कितना हो जाएगा आवृत्ति पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए 100 Hz। तो देखिए खोजते हैं यहाँ पे क्वेश्चन हमारा जो है कितना नंबर था, क्वेश्चन हमारा आ गया था 15 नंबर। तो इसमें पूर्ण तरंग दिष्टकारी है, निवेशी आवृत्ति कितना है 50 है, तो निर्गम आवृत्ति पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए क्या जाएगा 100 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी नंबर हो गया, 15 का क्या हो गया, सी नंबर। नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर पे, 16 नंबर क्वेश्चन जो है अर्ध तरंग दिष्टकारी में निवेशी आवृत्ति 50, अर्ध तरंग में 50 है तो इसका निर्गम जो है वो भी हमारा कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा, निर्गम आवृत्ति हमारा 50 यानी बी नंबर। 16 का क्या हो गया, बी नंबर। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पे, डायोड का उपयोग करते हैं। तो डायोड का उपयोग किसके रूप में होता है, रेक्टिफायर के रूप में होता है। तो डायोड का उपयोग रेक्टिफायर की तरह किया जाता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। तो 17 का क्या आ गया, डी नंबर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए तो क्या बोला गया है, 18 नंबर क्वेश्चन है अर्धचालकों में उपद्रव्यों को डालने से, अर्धचालक में उपद्रव्यों को डालने से उसका चालकता क्या होता है, बढ़ जाता है। अर्धचालक जो हम लोग बनाते हैं जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारा अर्धचालक है, जैसे उसमें
कोई भी अपमिश्रण किया जाता है, अशुद्धि अपमिश्रित किया जाता है, तो उसका चालकता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अर्धचालकों में द्रव्यों को डालने से उसकी चालकता बढ़ जाती है, यानी हमारा 18 का क्या आ जाएगा, डी नंबर आ जाएगा, 18 का डी हो गया। नेक्स्ट हम लोग चल रहे 19 नंबर पे। 19 में बोला जा रहा है ताप के बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, तो ताप अगर बढ़ रहा है तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या आ जाएगा, घट जाएगा। तो आंसर देखिए कौन सा है, 19 का बी नंबर। 19 का क्या आ गया, बी नंबर। नेक्स्ट हमारा है 20 नंबर। 20 में क्या बोला जा रहा है, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण होता है, तो अर्धचालक में जान रहे विद्युत चालकता का कारण इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों होता है, तो खोजिए कौन सा ऑप्शन है, तो सी नंबर में नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र दोनों। तो 20 का क्या आ जाएगा, सी नंबर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चल रहे 21 नंबर पे। 21 में क्या कहा गया है, आवर्त सारणी के तृतीय ग्रुप के तत्व जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम आदि के अपद्रव्य को जर्मेनियम या सिलिकॉन में मिलाने से वे हो जाते हैं, यानी तीसरा ग्रुप मतलब हो गया यहाँ पे हमारा त्रिसंयोजी वाला, और त्रिसंयोजी वाला पढ़े हैं, इससे हमारा पी प्रकार का अर्धचालक बनता है, तो एक पी प्रकार का अर्धचालक। तो 21 का कौन सा आंसर हो गया, बी नंबर, 21 का बी। नेक्स्ट हम लोग 22 नंबर पे चल रहे हैं। 22 नंबर में बोला जा रहा है पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक, पी प्रकार है तो पी प्रकार मतलब पॉजिटिव यानी हॉल, तो पी प्रकार में मुख्य धारावाहक कौन सा आ जाएगा, छिद्र हो जाएगा, हॉल हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी नंबर हो गया। 22 का क्या आ गया, बी। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर है। 23 नंबर में बोला गया है एन प्रकार के अर्धचालक, यानी एन टाइप के अर्धचालक, एन टाइप में हमारा इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, डी नंबर, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 23 का क्या आ गया, डी नंबर। नेक्स्ट हम लोग का 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए एन प्रकार है, तो एन प्रकार का प्राप्त करने के लिए हम लोग को पंच संयोजी मिलाया जाएगा, पंच संयोजक, यानी आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर। 24 का सी हो गया। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर, लास्ट क्वेश्चन देखिए दो 25 में। निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है इस चीज को सेलेक्ट करने के लिए कहता है, तो यहाँ पे अंकीय सिग्नल मानों का संतत समुच्चय नहीं करते, एकदम सही है, अंकीय सिग्नल मानों को विविक्त चरणों में निरूपित करते हैं, फिर अंकीय सिग्नल द्विआधारी पद्धति का भी उपयोग करते हैं, अंकीय सिग्नल दशमलव के साथ साथ द्विआधारी पद्धति, ये गलत है, अंकीय सिग्नल केवल और केवल द्विआधारी पद्धति का उपयोग करता है, दशमलव का उपयोग नहीं करता है, तो अंकीय सिग्नल दशमलव के साथ साथ द्विआधारी पद्धति का भी उपयोग करते हैं, यही बात क्या है, गलत है, यानी सत्य नहीं है। तो हमारा जो 25 है इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर। तो आज का 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कर लिए हैं, आप लोग अपने तैयारी में लगे रहिए, बेहतर तैयारी कीजिए, मेहनत करते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।